सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। पलामू जिले के हरियरगंज प्रखंड से, बिजली समस्या का सरकार करे निदान, नहीं तो होगा जन आंदोलन। हरियरगंज पलामू शहर के न्यू सब्जी बाजार स्थित नयन रेस्टोरेंट हॉल में शनिवार को समाजसेवी राजीव रंजन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कोरोना काल में प्रभावित गरीब किसानों व ग्रामीण उपभोक्ताओं से बिजली बिल वसूली रोकते हुए इस अवधि का बिल माफ करने की मांग सरकार से की है। उन्होंने सरकार व विभागीय अधिकारियों से आग्रह करते हुए कहा कि वैश्विक महामारी COVID-19 के दौरान गरीब तबके के लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान रोजगार की कमी से दैनिक मजदूरी कर जीवन यापन करने वाले लोगों की स्थिति बहुत ही खराब रही, जिसके चलते अभी भी गरीब बदहाली की चपेट में है, साथ ही लाचारी और बेबसी की जिंदगी जीने को विवश है। लॉकडाउन ने गरीबों की कमर तोड़ दी है। इस स्थिति में भी बिजली अधिकारी द्वारा उपभोक्ताओं पर लगातार प्राथमिकी दर्ज कराना और बिजली कनेक्शन काटना अनुचित है। उन्होंने कहा कि अभी वैसी स्थिति नहीं है कि उपभोक्ता कर्ज या बिजली बिल की अदायगी कर सके। साथ ही प्रखंड क्षेत्र में जर्जर पोल व तारों को शीघ्र बदलने की मांग की। कहा कि NH-98 का पुनर्निर्माण हो जाने से बिजली पोल की लंबाई कम हो गई है, जिससे झूलते हुए तार दुर्घटना का कारण बन सकती है। बावजूद इसके कई बार विभाग के वरीय अधिकारियों के द्वारा आश्वासन मिलने के बाद भी इस ओर ध्यान नहीं गया। जोर देकर कहा कि जनहित में यह मांग नहीं मानी गई तो विवश होकर जन आंदोलन करने को बाध्य होंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मृत्युंजय सिन्हा, कृष्ण मुरारी प्रसाद, विजय शौंडिक, राजेश रंजन मिश्रा, डॉक्टर भीम नारायण सिंह सहित कई लोग शामिल थे। हरियरगंज से प्रदीप मेहता की रिपोर्ट।